नहीं जी, आज बहुत शानदार चीज़ हुई है। अच्छा क्या हुआ? तरसीम जस्सर जी की फिल्म आ रही है अच्छा और साथ जबरदस्त, में है जी वामिका गब्बी। अच्छा हाँ जी, जबरदस्त। 31 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है, तो हाँ मैं क्या चेक करते हैं उसका ट्रेलर आया। देखते हैं। हाँ जी, नाम बताएं अब क्या है, गलवकड़ी, इसका मतलब क्या है? ये पहले भी किसी गाने में आया था लफ्ज़, तो इसका मतलब लोगों ने बताया था कि हग करना, गले मिलना। चलो जी, तो हमारी पंजाबी में तो खैर ये शायद नहीं इस्तेमाल होता, क्योंकि शायद शहरी और देहाती पंजाबी में फ़र्क है, या इस पंजाब और वेस्ट पंजाब की पंजाबी में थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये गलवकड़ी हमने पहले कभी नहीं सुना, बता ही नहीं के गानों में सुना है। और ऐसे हाँ जप्पी चुप्पी पा वही लेने हैं। ना। गल बखड़ी, असल में इससे लगता ना कि जप्पी हाँ पे और डाल के तो गल बखड़ी अगर कहना तो बंदा यानी कि गुंजर पड़ जाएंगे उसके, हाँ अच्छा निकल ही नहीं सकेगा गल बखड़ी। गल बिगड़ जाएगी। ये हो अच्छा जाएगा इसमें, गले, तो इसमें से हम गल बखड़ी नहीं करते, हम जप्पी चुप्पी अच्छा पा के तो बस साइड में रहते, ठीक है जी। हाँ जी, अच्छा तो तो चेक यही करते मतलब जी, होगा इसका। चेक करते हैं जी। हाँ, किन्नी गंदगी फैली हुई इतने, फंगस लग गई गाना होनी या गा रहे बैक्टीरिया हैं फैल रहा होना। बैक्टीरिया दिल्ली नाम ना जनता। ओ इन्फेक्शन होगी, अपने बैक्टीरिया, तो इन्फेक्शन अपनी फैमिली नू होगी, वो तो बाद सारी सिटी नू होगी, सिटी तो बाद देश नू होगी, देश तो बाद दुनिया नू होगी, सारी दुनिया इन्फेक्टेड कर लू फिर दे तुसी। ओ ओए ग्लव्स इसलिए पहना भाई जी, अरे कोरोना के बाद ऐसी फिल्में आप कोई आनी नौ कटने की जगह थोड़ा सोच लिया करो। कोई नहीं पुत, नौ कटने वास्ते अपा अड कमरा पा लेंदे। मैनू शाम तक रिटर्न दे विच रिपोर्ट चाहिए कि मेरे टेबल ते ए पुजिया आया कि में। ओह पिछले हफ्ते नालों डेढ़ किलो तो आप जैसा कैरेक्टर लग रहा है यहाँ, ये चीज क्यों आई है उसके? हुण हो जो कच्चे बनाए च वीरे नु तो रिजल्ट चाहिंदा ना। पर है भी इंग्लैंड में। समझ नहीं आती यार, तू ओदा प्योवा का ओ तेरा प्योवा, हाय मोटी जमीर जगा दे रब दी, एदे तो ऊई सत्तू मुक्के पए ने आन दोस वड्डे जेलर नु। जगदेश्वर थानू समझा समझा के थक गया, पर एक कमलियां दा टब्बर है के समझण नु राजी नहीं। हां जी, मैं नहीं गलत, टब्बर गलत है, समझदा नहीं। तैनू मेरे हिसाब ना रहना पऊ, मैं मेरी जिंदगी किसी होर दे ढंग नाल नहीं जी सकदी ना, एनु एहे जे नु रखू कौन, ए गोरी तां है ही लड़की। वो पुट्ठी बिल्कुल ही हो अब। हेलो जग्गी, गेस्ट नु घर दे रूल समझा दे। ये तो बड़ा बोरिंग बंदा है। बोरिंग बेस्वाद भी है। बेस्वाद मैरी, आई लव यू टू। हाय बाबा, मैं तेरे गलत निगाना देख रहा है, गलत निगाना। हाय वो खुद कह रहा गलत निगाना। गब्बर, माँ बाप ने लब के ना रखे आ गब्बर, हुन उन्हें की पता सी भई ये दिया हरकतां बसंती वालियां हो गई। अच्छा रब ना रेडियो दे दे, बोलते नहीं होते कई थाई माड़ा बनते हैं। उठा उठा के रख रहा वाही रूड जे जसर भी फुल लेके आओ, बिल्कुल शोभा नहीं दंदी। अद्धी रात नू किसी बेगानी कुड़ी दे कमरे च आना इस घर नू शोभा दंदा है? हाय ए हर एक मुंडे नू कोई ना कोई कुड़ी दा पसंद करना बहुत जरूरी गल है। मेनू ही देख लो, मैं अपने आप नू बहुत पसंद करती हूं। मैं अपने आप नू बहुत पसंद है, जिस हिसाब ना मेरा सुभाव ते असूल ने ना, मैनू नहीं लगता मैनू कोई कुड़ी पसंद करूगी। इतना नहीं सोची रहा हुंदा, जो कहना कह लेना चाहिए, जो करना कर लेना चाहिए। दस दे कौन कुड़ी है। मैनू अंबर ना प्यार हो गया, जे वो मानती है तो ठीक है, जे वो ना मनी फिर। थोड़ा मुंडा थोड़ा ज्यादा बोल गया। लोगों को उंगली फड़ाओ बाह फड़ दे, यही तो गाना नहीं था ये हमने किया हुआ गाना, ये पुराना हो गई, ये तो फिर होना था। तो इस तो आपको पता है कितना ही रोमांटिक गर्ल सुननी चाहते हो, सैड रोमांटिक ऑल है हैप्पी रोमांटिक। अच्छा या इतना अरमास जड़ा जी होया ही ये अच्छा है यार, किस तरह की रोमांटिक। अच्छा वो उन्हें हमेशा कहते थे ना, वो अपने एक स्टाइल में एक रहते हैं, उन्होंने अपनी सारी पर्सनैलिटी उसमें यहाँ पे फिल्म में ले आया कि भाई मैं एन जेगा, हाँ जेडी कुड़ी ने फंसना है सेट होना है आप पे ही होएगी, आप पे ही निभा करेगी, मैं बदलना ही नहीं अपने आप नो। वाह जी वाह, और होना भी ऐसे ही चाहिए भाई।
एक अपना एक अपने में रहना चाहिए बंदा। अच्छा मजाया भी है ना, इनकी फिल्में हमेशा सीरियस रही है लेकिन ये मजाया भी है, इसलिए ऐसे वो असल में ज्यादातर वो होती है ना सोशल इश्यूज जो जितने भी है वो सारे उसमें कोई ज्यादा हाईलाइट वो होता है, ये थोड़ा सा लाइट मूड की अच्छी, ये भी बहुत अच्छी इशू है कि लोग इस तरह के होते हैं। आपने जैसे मेंशन किया, मैं इतना नहीं हूँ, इतना नहीं हूँ जितना उन्होंने किया है, हाँ थोड़ा थोड़ा हूँ लेकिन इतना नहीं हूँ। तो मैं तो चीज़ें वो जो नीचे गिर जाती उसको उठा के दोबारा प्लेट में ही रखता, मैं उसको प्लेट को ही उठा के बाहर फेंक देता हूँ। ये मेरा बेटा बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैं दोबारा वो तो खा नहीं सकता, मैं तो कोई देख भी नहीं सकता वो तो, लेकिन वो है इस तरह की होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि मैंने देखा खुद को भी, मैंने देखा ऐसे लोग होते हैं। और लेकिन जो दूसरा पहलू है पर्सनैलिटी का वो नहीं है मेरे में, मैं उतना बोरिंग नहीं हूँ। हाँ जी ये तो लोग जानते ही है, मैं इतना लोग जानते हैं, मैं नहीं कहता, मैं लोग जानते हैं, लोगों को पता है मैं इतना बोरिंग नहीं हूँ। अपने खड़ूस हो सकता हूँ, बोरिंग नहीं हो सकता। तो जी वैसे मजा आया, गल में खड़ी आप भी जरूर देख के अब इंतजार कर रहे हैं इसको, ये तो फिल्म वाकई तजस्सुस बढ़ गया। देखें जी, इंजॉय करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।